वाली रेसिपी जिसे आप बहुत ही पसंद करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं रशियन कबाब, बहुत आसान ट्रिक से बनने वाली हमारी ये रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रशियन कबाब के लिए यहाँ पे आधा किलो मैंने चिकन धोके ले लिया है। बस देखिए धुले हुए चिकन है ये, और इस तरह से डाल देना है। इसी में मैंने दो आलूओं को बड़े बड़े पीस काट लिए हैं, इसे भी इसी में डाल देंगे ताकि आलू भी इसी में गल जाएं अच्छे से। सब सेट कर दिए इस तरह से। इसी में हम डालेंगे एक टीस्पून नमक, इसी में हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी में डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला ताकि अच्छे से खुशबू आए, और इसको लगा देंगे सीटी। एक सीटी आने के बाद हम इसे 5 मिनट धीमे पे हमने ले ली है 5 हरी मिर्ची, 2 इंच का टुकड़ा और 5 ये लहसुन। तो इसको हम बिना पानी डाले पीस लेंगे। तो ये देखिए गोश्त उबल गया है, और आलू देखिए कितना अच्छा गल गया है ना। गोश्त भी देखो एकदम अच्छे से सब अलग अलग हो गया। तो हम इसको, और हमारे इधर देखिए पानी भी थोड़ा सा निकल रहा है, तो पानी हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने इसका पानी जितना था वो निकाल दिया है, और अब ये सूखा सूखा रह गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मैश कर लेंगे अच्छे से आलू भी और पीसेस को, चिकन है जो बोनलेस है इसके सारे पीसेस अलग कर देंगे एक 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 इस तरह से। गेहूं का आटा है 3 टेबल स्पून लेके इसको अच्छे से तो अब ये भुन के हो गया है, तो इसको अब ठंडा होने देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 ये फ्रेंच बीन लिया हुआ है, एक शिमला मिर्च काट लिया है बारीक बारीक सा, एक गाजर बारीक बारीक काट लिया है बहुत बारीक सा, और यहाँ पे कुछ मैंने कड़ी पत्ता और हरा धनिया लिया है। तो ये सबको यहाँ पे देखिए मैंने ये कीमा और आलू को कितना अच्छा मिश्रण किया है, अब पीसेस नहीं है देखिए कितना अच्छा हो गया है ना। तो इसी में आप सबको मिला देंगे ये सब्जियाँ। इसी में मैं डालूंगी ये अदरक, इधर देखो ये देखिए ये अदरक हरी मिर्ची और लहसुन को पीसा है हमने, ये सब डालेंगे क्योंकि हमें कबाब थोड़ा चटक रखना है। इसी में मैं थोड़ा सा जलेबी का कलर डालूंगी, यहाँ पर दो से तीन चुटकी बस एक अच्छा कलर आने के लिए। और ये आटा छानने देखिए ये भी इसमें डाल देंगे, और फिर मिक्स करेंगे ना तो सब्जी का पानी। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक क्योंकि हमने इसमें बॉईल करने में भी डाल दिया था, तो आधा टीस्पून ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जरूरत के हिसाब से चख के डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। हाथों से देखिए कितना अच्छा से ये एक आटे की तरह डो बना लीजिए, एक जां हो जाए ये सब मिक्स होकर,
और यहाँ पर नमक और मिर्च अपने स्वाद अनुसार रखिए। तो ये बहुत ही चटक और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है ये कबाब, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इतना हमने चाट मसाला ले लिया है, चाट मसाला डालने से क्या हो गया है, अभी नींबू की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ये मिश्रण बहुत अच्छा रेडी हो गया है, तो बस अब तलने की हम तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम नमक चख लेंगे, अगर कम ज़्यादा है तो अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो अंडा फेंट लेते हैं, तलने की तैयारी करते हैं। इस तरह से शेप देना है और ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी इतने बने हैं। यहाँ पे मैंने ले लो थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार डालिए, थोड़ी सी मिर्च अच्छे से फेंट लेंगे। और ये देखिए इस तरह से करके हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह से तो यहाँ थोड़ा रख देंगे, इस तरह दूसरे को भी बनाएंगे। और यहाँ रखकर से सबको बना लेंगे। इसको अच्छे से दबा लेंगे अच्छे से ताकि सिवैया इस पे चिपक जाए। देखिए इस तरह से चिकना चिकना हो गया ना, तो ये सभी को इस तरह से तो यहाँ पर हमारा ऑयल गरम है, ये देखिए शैलो फ्राई करना है। ये कबाब जो हैं ऑयल ज़्यादा नहीं लेते हैं, इसलिए शैलो फ्राई करिए और थोड़ा इसे डार्क तलेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही कुरकुरा सा होता है, जो बच्चे सभी को बहुत पसंद आता है। और इसे आप खाइए, या तो रोटी से खाइए, पराठे से खाइए, या आप इसे पाव में रख के भी खा सकते हैं। ये हर तरह से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स तैयार हो गया है, तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ अब। तो इसे देख कर खाने का मन कर रहा है ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाकर आप इसे चाहे ना तो सिमैया लगाकर ही इसे फ्रीज़र में भी आप एक महीना तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और जब चाहे तब इसे वापस शैलो फ्राई कर लीजिए, तो बस जब चाहे तब इसे खाने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये आसान सा ट्रिक है, इसे ज़रूर आजमाइए और मुझे कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारे रशियन कबाब सभी तैयार हो गए हैं और हमने इसे हरी चटनी, सॉस और मायनीज के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे दही भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इसे पेश करिए। तो लीजिए तैयार है हमारे रशियन कबाब। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने रशियन कबाब बना लिए, जो कि बड़े और बच्चों सभी को बहुत भाता है।
और कितना आसान तरीके से हमने बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको देखते हैं हमारे चैनल पे तो हमें जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए इसको तोड़ के भी देखते हैं कि अंदर से कैसा है। वाओ, गर्मा गर्म है और हम इसको ये चटनी, सॉस और मायनीज के साथ खाएंगे। तो ये देखिए इसका पीस और ये देखिए कितना टेस्टी है।